हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीएससी सेमेस्टर 3 वीडियो लेक्चर्स। इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस सेलुलर मेटाबॉलिज्म 1, बायोटेक्नोलॉजी पेपर 3, यूनिट 4, टॉपिक पेंटोस फॉस्फेट पाथवे पीपीपी। अनदर नेम ऑफ दिस पाथवे इज हेक्सोज मोनोफॉस्फेट संट HMS। आई रिपीट, इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस मेटाबॉलिक पाथवे कॉल्ड पेंटोज फॉस्फेट पाथवे और पीपीपी। अनदर नेम ऑफ दिस पाथवे इज हेक्सोज मोनोफॉस्फेट संट। तो हमने यूनिट 4 में अब तक क्या पढ़ा? हमने यूनिट 4 में ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म के अंडर ग्लाइकोलिसिस पढ़ा, फैट ऑफ पाइरूवेट पढ़ा, एनएरोबिक रेस्पिरेशन मतलब कि फर्मेंटेशन पढ़ा, टीसीए साइकिल में हमने ग्लूकोज का कंप्लीट डीकार्बोक्सिलेशन पढ़ा, बाद में हमने ग्लूकोनियोजेनेसिस पढ़ा। अब इस लेक्चर में हम पेंटोस फॉस्फेट पाथवे या तो हेक्सोज मोनोफॉस्फेट संट नाम के मेटाबॉलिक पाथवे को डिस्कस करने वाले हैं। तो हेक्सोज मोनोफॉस्फेट संट या तो पेंटोस फॉस्फेट पाथवे एक ऐसा पाथवे है जिसमें ग्लूकोज नाम की जो हेक्सोज सुगर होती है ये 5 कार्बन वाले पेंटोस सुगर में कन्वर्ट होती है। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि व्हाट इज द एम ऑफ दिस पेंटोस फॉस्फेट पाथवे। रिमेंबर, पेंटोस फॉस्फेट पाथवे इज नॉट बेसिकली परफॉर्म टू जनरेट ATP इन अ फॉर्म ऑफ ATP ड्यूरिंग द मेटाबॉलिज्म। तो पेंटोस फॉस्फेट पाथवे भी एक कैटाबॉलिक पाथवे है, लेकिन दूसरे जो हमने अभी तक डिस्कस किए हैं कैटाबॉलिक पाथवे जैसे ग्लाइकोलिसिस और टीसी साइकिल, उससे विपरीत पेंटोस फॉस्फेट पाथवे में ATP जनरेशन नहीं होता है, बल्कि पेंटोस फॉस्फेट पाथवे का एम होता है टू जनरेट पेंटोस सुगर्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लिक एसिड एंड कोएंजाइम्स, एज वेल एज प्रोवाइड NADPH फॉर डिफरेंट रिडक्शन एक्टिविटी। तो पेंटोस फॉस्फेट पाथवे का दो एम है, एक एम है पेंटोस सुगर्स का जनरेट करना जिससे आगे जाके न्यूक्लियोटाइड और कोएंजाइम का और न्यूक्लिक एसिड का सिंथेसिस पॉसिबल है, और दूसरा NADPH को प्रोवाइड करना जो अलग अलग रिडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। तो ये पेंटोस फॉस्फेट पाथवे का एम होता है। चलिए पहले समझ लेते हैं कि पेंटोस फॉस्फेट पाथवे में कितने फेज होते हैं। तो दो फेज होते हैं, एक को ऑक्सीडेटिव फेज बोलते हैं और दूसरे को नॉन ऑक्सीडेटिव फेज बोलते हैं। ऑक्सीडेटिव फेज में क्या होता है? सबसे पहले जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट होता है, बराबर, ये कन्वर्ट हो जाता है 6 फॉस्फो ग्लूकोनेट में, तभी NADP प्लस का कन्वर्जन NADPH में होता है। 6 फॉस्फो ग्लूकोनेट का डीकार्बोक्सिलेशन और ऑक्सीडेशन दोनों होता है और अल्टीमेटली उससे रिब्यूलोज 5 फॉस्फेट बनता है, CO2 निकल जाता है, वापस NADP का कन्वर्जन NADPH में होता है। और ये जो रिब्यूलोज 5 फॉस्फेट है उसमें से आगे जाके राइबोज 5 फॉस्फेट बनता है, आगे जाके न्यूक्लियोटाइड्स, कोएंजाइम और DNA RNA जैसे न्यूक्लिक एसिड का सिंथेसिस पॉसिबल है। तो ये जो पूरा फेज है इसको हम ऑक्सीडेटिव फेज बोलते हैं, जिसमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में से 6 फॉस्फो ग्लूकोनेट, 6 फॉस्फो ग्लूकोनेट में से रिब्यूलोज 5 फॉस्फेट, रिब्यूलोज 5 फॉस्फेट में से राइबोज 5 फॉस्फेट, राइबोज 5 फॉस्फेट का यूज होता है आप देख सकते हो जैसे कि फॉर द सिंथेसिस ऑफ अ न्यूक्लियोटाइड्स, कोएंजाइम एंड न्यूक्लिक एसिड लाइक DNA एंड RNA। अब इस पाथवे को कंटिन्यू करने के लिए एक नॉन ऑक्सीडेटिव फेज परफॉर्म किया जाता है, जिसमें जो रिब्यूलोज 5 फॉस्फेट है ये सीरीज ऑफ रिएक्शंस के बाद बराबर कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, इसको नॉन ऑक्सीडेटिव फेज बोलते हैं और इसके एंजाइम्स बोलते हैं ट्रांस आल्डोलेज एंड ट्रांस कीटोलेज, बराबर। तो ये पेंटोस फॉस्फेट पाथवे के दो फेज हैं जिसको हम वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले लेनिंजर की ही फिगर ले रहे हैं, ये आप पेज नंबर नोट डाउन कर सकते हो, जब आपके पास लेनिंजर है तो आप इसको ओपन करके इसका चार्ट अपने नोटबुक में लिख सकते हो, मैं अलग से मटेरियल नहीं दे रहा हूँ, तो यही चार्ट आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू यूज़ करना है। तो पहले आप ये चार्ट लिखो, इसमें से ये जो साइड वाला पोर्शन है आप निकाल सकते हो, सिर्फ NADP का कन्वर्जन NADPH तक याद रख सकते हो एग्जाम के लिए, बराबर। तो पहले ये चार्ट ड्रॉ करो, बराबर, लेनिंजर का पेज नंबर है दैट इज 550, चैप्टर नंबर 14 है, 550 है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं ऑक्सीडेटिव फेज ऑफ पेंटोस फॉस्फेट पाथवे।
ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है। कैसे जनरेट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट? तो बिकॉज ऑफ अ हेक्सोकाइनेज रिएक्शन वेयर ग्लूकोज इज फॉस्फोराइलेटेड एट द 6th पोजीशन विद द हेल्प ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी। तो ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो जनरेट होता है, जो ग्लाइकोलिसिस में भी यूज हो सकता है, वही ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आगे जाके पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में एंटर होता है। ये कन्वर्ट हो जाता है 6 फॉस्फो ग्लूकोनो डेल्टा लैक्टोन में। किसमें कन्वर्ट होता है? 6 फॉस्फो ग्लूकोनो डेल्टा लैक्टोन में। ये कन्वर्जन कैटेलाइज करता है एंजाइम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस, जो मैग्नीशियम Mg+2 का एज ए कोफैक्टर यूज करता है और NADP+ का इससे रिडक्शन होता है NADPH+H+ में। मतलब कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स NADP+ एक्सेप्ट करता है और NADPH+H+ में कन्वर्ट हो जाता है। एंजाइम है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस। चलिए अब ये जो बनता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में से, जिसका हम कहते हैं नाम 6 फॉस्फो ग्लूकोनो डेल्टा इलेक्ट्रॉन, इसमें इसका आइसोमराइजेशन हो जाता है। एक एंजाइम है, इसका नाम है लैक्टोनेज। एंजाइम का नाम है लैक्टोनेज। तो ये लैक्टोनेज एंजाइम रिंग बेसिकली ब्रेक कर देता है। Mg+2 इसका कोफैक्टर है, ये H2O का यूज करता है और उससे रिंग ब्रेक हो जाती है डेल्टा लैक्टोन की और बनता है 6 फॉस्फोग्लूकोनेट। क्या बनता है? 6 फॉस्फोग्लूकोनेट। फिर से आप देखो तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का ऑक्सीडेशन होता है, बनता है 6 फॉस्फो ग्लूकोनो डेल्टा इलेक्ट्रॉन और NADP का कन्वर्जन NADPH+H+ में होता है और एंजाइम है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस। फिर एंजाइम आता है लैक्टोनेज। लैक्टोनेज एंजाइम रिंग को ब्रेक करता है और इसको ओपन चेन फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है और इससे बनता है 6 फॉस्फो ग्लूकोनेट। 6 फॉस्फो ग्लूकोनेट का अब डीकार्बोक्सिलेशन और ऑक्सीडेशन दोनों होता है। ऑक्सीडेशन होने से NADP+ कन्वर्ट होता है NADPH+H+ में। डीकार्बोक्सिलेशन होने से CO2 रिलीज हो जाता है। पहला जो फर्स्ट CO2 है, जहां पे ये जो लुइस सेड में दिखाया है, ये CO2 रिलीज होता है और एंजाइम है 6 फॉस्फो ग्लूकोनेट डिहाइड्रोजिनेस। 6 फॉस्फो ग्लूकोनेट डिहाइड्रोजिनेस और उससे जो बनता है बराबर, इसको कहते हैं डी रिब्यूलोज 5 फॉस्फेट। तो ये कीटो शुगर बनती है, फॉस्फेट शुगर बनती है डी रिब्यूलोज 5 फॉस्फेट। अब डी रिब्यूलोज 5 फॉस्फेट का आइसोमराइजेशन होता है, एंजाइम है फॉस्फोपेंटोज आइसोमरेज। एंजाइम का नाम है फॉस्फोपेंटोज आइसोमरेज और उससे बनता है, क्या बनता है? डी रिबोज 5 फॉस्फेट। क्या बनता है? डी रिबोज 5 फॉस्फेट, जो आगे जाके बाद में यूज हो सकता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियोटाइड एज वेल एज कोएंजाइम्स एंड न्यूक्लिक एसिड। तो ये फेज था पेंटोज फॉस्फेट पाथवे का ऑक्सीडेटिव फेज। इस फेज में बेसिकली जो पेंटोज सुगर है रिबुलोज 5 फॉस्फेट, ये कन्वर्ट हो जाती है राइबोज 5 फॉस्फेट में। रिबुलोज 5 फॉस्फेट इटसेल्फ जनरेट होती है फ्रॉम द ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो कहते हैं कि हेक्सो सुगर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट अल्टीमेटली कन्वर्ट होती है पेंटोज सुगर राइबोज 5 फॉस्फेट में। एक CO2 रिलीज होता है, दो बार ऑक्सीडेशन होने से दो NADP+ मॉलिक्यूल का कन्वर्जन 2NADPH+2H+ में होता है। चलिए फिर से इस पाथवे को एक बार देखते हैं और इसका समराइजेशन करते हैं। तो आपको एग्जाम में स्पेशली इसके मेटाबोलाइट्स के नाम ही याद रखने हैं, इसके स्ट्रक्चर्स अभी हाल फिलहाल आपके लेवल पे याद नहीं रखने हैं। तो आपके अगर आपको शॉर्ट नोट पूछी जाती है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अ पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, तो आपको बेसिकली ये मेटाबोलाइट्स के नाम याद रखने हैं। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, इसका कन्वर्जन होता है 6 फॉस्फो ग्लूकोनो डेल्टा इलेक्ट्रॉन में। एंजाइम का नाम याद रखना है, रिवर्सिबल रिएक्शन है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। Mg+2 उसका कोफैक्टर है, NADP+ कन्वर्ट होता है NADPH+H+ में। लैक्टोनेज एंजाइम आता है, H2O ऐड होता है, Mg+2 अगेन यूज होता है और बनता है 6 फॉस्फो ग्लूकोनेट। 6 फॉस्फो ग्लूकोनेट का ऑक्सीडेशन होता है 6 फॉस्फो ग्लूकोनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के कैटालिसिस के थ्रू। NADP+ NADPH+H+ में कन्वर्ट होता है, एक CO2 रिलीज हो जाता है, अगेन Mg+2 इज रिक्वायर्ड। ये बनता है डी रिब्यूलोज 5 फॉस्फेट। डी रिब्यूलोज 5 फॉस्फेट का आइसोमराइजेशन होता है फॉस्फोपेंटोज आइसोमरेज में और कीटोज जो पेंटोज है रिब्यूलोज, ये आल्डोज पेंटोज राइबोज में कन्वर्ट हो जाती है और बनता है डी राइबोज 5 फॉस्फेट। तो यहाँ पे पेंटोज फॉस्फेट पाथवे का कौन सा फेज फिनिश हुआ? ऑक्सीडेटिव फेज फिनिश हुआ।
चलिए अब एक कॉम्प्लिकेटेड सा नॉन ऑक्सीडेटिव फेज है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इतना याद रखना जरूरी नहीं है, फिर भी हम एक बार इसको डिस्कस करते हैं कि कैसे सीरीज ऑफ रिएक्शन से अगेन रीजनरेशन होता है 6 कार्बन वाले ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का। देखो यहाँ पे जो बनाया है बताया है ये राइबोस 5 फॉस्फेट है जो पेंटोस फॉस्फेट पाथवे में जनरेट होती है। ये राइबोस 5 फॉस्फेट जो होती है ये कन्वर्ट हो सकती है जाइलुलोज 5 फॉस्फेट में, और अब एक एंजाइम है, एंजाइम का नाम है ट्रांसकीटोलेस, बराबर इसका नाम है ट्रांसकीटोलेस राइबोस 5 फॉस्फेट और जाइलुलोज 5 फॉस्फेट दोनों के बीच में रिएक्शन करवाता है। जो जाइलुलोज 5 फॉस्फेट होता है उसके 2 कार्बन यूनिट्स को ये राइबोस के में ऐड कर देता है, तो राइबोस 5+2 7 कार्बन वाला बन जाता है सीडियोहेप्टुलस 7 फॉस्फेट, और जो जाइलुलोज 5 फॉस्फेट होता है ये 3 कार्बन वाला ग्लिसराल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनता है। अब ग्लिसराल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और सीडियोहेप्टुलस 7 फॉस्फेट अगेन रिएक्ट करते हैं, एंजाइम है ट्रांसाल्डोलेस, इनकी रिएक्शन के वजह से बेसिकली क्रिएट होती है 10 कार्बन यूनिट्स, क्योंकि ये कंडेंसेशन करती है, और इस 10 कार्बन यूनिट्स में से एक 6 कार्बन वाला बनता है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट और दूसरा 4 कार्बन वाला बनता है इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट। अब ये फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट आगे जाके क्या बना सकता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बिकॉज ऑफ एंजाइम फॉस्फोहेक्सोआइसोमेरेस, जबकि इरिथ्रोज 5 फॉस्फेट जो 4 कार्बन वाला आल्डोस सुगर है ये कंबाइन हो सकता है किसके साथ, जाइलुलोज 5 फॉस्फेट के साथ, एंजाइम है ट्रांसकीटोलेज, और अगेन ये बना सकते हैं ग्लिसराल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। आपको पता ही है कि ग्लिसराल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में से आगे जाके फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बनेगा, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में से आगे जाके बन सकता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एज यू नो फ्रॉम द रिवर्सिबल पाथवे ऑफ ग्लाइकोलिसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस। चलिए तो ऐसे ये एक्चुअली सीरीज ऑफ रिएक्शंस है जिसमें अल्टीमेटली रीअरेंजमेंट होते होते रीजनरेट हो सकता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। यहाँ पे यही बताया है कि 5 कार्बन वाला राइबोस 5 फॉस्फेट 5 कार्बन वाला जाइलुलोज 5 फॉस्फेट रिएक्ट करते हैं, तो 7 कार्बन वाला सीडियोहेप्टुलस 7 फॉस्फेट और 3 कार्बन वाला ग्लिसराल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनता है। 7 कार्बन वाला और 3 कार्बन वाला मिलके 10 कार्बन बनाते हैं, उसमें से 6 कार्बन वाला फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट और 4 कार्बन वाला इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट बनाते हैं। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट आगे जाके ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना सकता है, इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट कंबाइन हो सकता है 5 कार्बन वाले जाइलुलोज 5 फॉस्फेट के साथ, और उससे बनता है 6 कार्बन वाला ग्लूकोज और 3 कार्बन वाला ग्लिसराल्डिहाइड, ग्लिसराल्डिहाइड दूसरे ग्लिसराल्डी के साथ कंबाइन होकर 6 कार्बन वाला ग्लूकोज बना सकता है, और वही मिरर इमेज नीचे दिया हुआ है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इतना आपको याद नहीं रखना है, मेनली आपको ये नॉन ऑक्सीडेटिव पाथवे याद रखना है जो दिया गया है पेज नंबर किस पे, याद रखो इसको नोट डाउन कर लो 550 पे। तो इससे मैं अपना लेक्चर फिनिश करता हूँ, यहाँ पे यूनिट 4 भी फिनिश होता है पेंटोस फॉस्फेट पाथवे में। आपको ये सिर्फ चार्ट याद रखना है, उससे ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है, उसका सिग्निफिकेंस याद रखो, 2 ही सिग्निफिकेंस है, क्या उपयोग क्या है, तो नंबर 1 टू जनरेट पेंटोस सुगर विच कैन बी यूज फॉर अ सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लिक एसिड एंड कोएंजाइम। पहला सिग्निफिकेंस है कि पेंटोस सुगर को जनरेट करना जो आगे जाके न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लिक एसिड और कोएंजाइम के सिंथेसिस में यूज होता है। दूसरा है टू जनरेट रिड्यूसिंग एजेंट लाइक NADPH जो दूसरे रिडक्टिव पाथवेज में यूज होती है। तो ये 2 पर्पज है ऑफ पेंटोस फॉस्फेट पाथवे। थैंक यू वेरी मच।